वेलकम बैक टू मकीबा। और जी आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग सा शरबत, वो भी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आधा कप ले लेंगे आप साबूदाना, और यहाँ पे लेंगे एक टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और यहाँ पे आधा कप मैंने पेस्ट बना लिया है। 8 से 10 बादाम ले लें, और एक टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा खशखाश ले लिया था, और इसको 15-20 मिनट मैंने भिगो दिया था और इसका पेस्ट बना लिया है। एक पैन ले लें, उसमें डाल दें साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको धो लें एक पानी से, और दूसरा पानी डाल के इसको अच्छे से गला लेंगे। इसको गला लेंगे, अच्छे से गला लेंगे इसको साबूदाने को। और यहाँ पे ले लेंगे 1 लीटर दूध, फुल क्रीम ले लें या फिर नॉर्मल जो आपके घर में हो वो ले लें। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे बादाम और खशखाश का पेस्ट। इसको अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर आएगा, इससे दिमाग को सुकून देगा ये शरबत आपको। और इसको पका लेना है आपको इस तरह से। 4 से 5 मिनट मैंने पका लिया है। इसमें डाल देंगे मिल्क का पाउडर, और इसको भी पका लेंगे अच्छे से। और जब तक हमारा साबूदाना 5 से 6 मिनट में ही गल चुका है, इसमें डाल देंगे साबूदाना। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है ये शरबत। साबूदाना मैंने डाल दिया है गला हुआ। साबूदाना डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसमें डाल देंगे हरी इलायची का शरबत। ये रहा 1 कप मैंने हरी इलायची का शरबत ले लिया है, इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। हरी इलायची का शरबत डाल देंगे मिक्सचर में, और फ्लेम बंद कर दें। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे मिक्स करके, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फ्रिज में रख दें। अच्छे से 2 से 3 घंटे में शरबत ठंडा हो चुका होगा। देखिए ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो चुका है ये शरबत। इसको ग्लासेस में पोर करें। बहुत ही बेहतरीन सा लजीज शरबत बनकर आपका तैयार है। इसको पिस्ता या फिर बादाम, कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास वो डाल दें थोड़ा थोड़ा। और इस गर्मियों में और इस रमज़ान में, इफ्तार में या फिर सहरी में, जब आपका दिल करे तब पिएं। बहुत ही रिफ्रेशिंग, दिमाग को सुकून देने वाला हरी इलायची और सागू दाने का शरबत बना के ज़रूर पिएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।